कांग्रेस अब देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार करने की योजना बना रही है। कांग्रेस पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर युवाओं, किसानों, महिलाओं में पैठ बनाने के लिए गांव से लेकर और प्रदेश स्तर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। लखनऊ में चारबाग से लेकर पुराने लखनऊ से होते हुए इमामबाड़ा से लेकर हुए शहीद स्मारक तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खबरे और यूपी के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे सहित कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। तो लगातार आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा में हजारों की संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर मौजूद हैं। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के जो ब्रजलाल खाबरी हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनका साफ तौर पर कहना था कि ये यात्रा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक नई अलग कांग्रेस की नीति तय करेगी। लखनऊ से MK न्यूज़ के लिए अविनाश। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, हमारे साथ मौजूद है ब्रजलाल खाबरी जी। सर, आज की यात्रा को क्या कहेंगे, किस तरीके से? देश और प्रदेश में फैली नफरत को खत्म करने के लिए यात्रा है। किस तरीके से यात्रा देखकर निकाय चुनाव भी कितना उपलब्ध मिलेगा? चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है। हमारा जो भारत जोड़ो यात्रा देश को बचाने के लिए है। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी बात करें, लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहे प्रियंका गांधी, क्या भारत जोड़ो यात्रा में उत्तर प्रदेश में भी एंट्री करेंगे? हाँ, आएंगे। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी।